ਤੇ ਤੂੰ ਫੂਸ ਤੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸੇ ਜੁੜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ। तो हे गाइस, क्या आप लोग भी कुछ इस तरह वाली एडिटिंग करना चाहते हो? ये एडिटिंग आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप लोग भी कुछ इस तरह वाली एडिटिंग करना चाहते हो, इस एडिटिंग के लिए हमें कैपकट ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे रखी होगी, जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जाके उधर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, कैपकट ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करो। वो कैपकट ऐप लेटेस्ट वर्जन है, उसमें आपको हर कुछ यहाँ पर फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो विदाउट एनी मोर वेस्ट टाइम लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी भी वीपीएन को कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने आईएनएफ वीपीएन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आप किसी भी वीपीएन को यहाँ पे कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे चले जाना है। ठीक है गाइस, तो ये लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। कुछ इस तरह वाला इंटरफेस मिलेगा, बट आपको सीधे यहाँ पे नीचे चले जाना है। ठीक है गाइस, सीधे नीचे चले जाना है आपको। ये वाला यहाँ पे ओपन करना होगा। ठीक है गाइस, ये वाला आप देख रहे हो, इसको यहाँ पे ओपन करना होगा। नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हो, यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट, उस पर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद आप फिर से आएगा तो आपको फिर से क्लिक कर देना। ठीक है गाइस, आपको ये याद रखना कि ये दो बार होता है। दो बार होने के बाद ये फटाक से हमारे कैपकट ऐप में ओपन हो जाएगा। ओपन होते यहाँ पे आप नीचे एक ऑप्शन देखो, यूज टेम्पलेट, उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है गाइस, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो, फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको जिसको भी वीडियो बनाना है, वो फोटो हो या वीडियो हो, आप यहाँ पे सिंपली वो वाले सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं सीधे आगे जा रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। अब इसमें आपको 25 लेने हैं। ठीक है गाइस, 25 अगर आपका एक ही वीडियो, आप एक ही वीडियो 25 बार ले सकते हो। अगर आपके अलग अलग फ़ोटो है तो आप अलग भी ले सकते हो, आप लोगों की जो मर्जी होगी। ठीक है गाइस, तो उसके बाद एक नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, उस पर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग इफेक्ट लेगा यहाँ पे, वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा वीडियो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो सेम वैसा ही वीडियो बन चुका है जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, आप ये सेम फोटो है इसलिए आप लोगों को थोड़ा मतलब डिफरेंट लग रहा होगा। जब आप अलग अलग क्लिप्स यहाँ पे लोगे तो आपका सेम वैसा ही वीडियो बन जाएगा। ऊपर आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर यहाँ पे क्लिक कर दोगे और ये उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारी गैलरी में। तो उसके बाद करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जब तक ये हमारे गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगा, तब तक आप लोग क्या करोगे, हमारे चैनल को जाके फटाक से कर दोगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर दोगे, क्योंकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करने, लाइक करने से क्या होता है हमारी थोड़ी मोटिवेशन बन जाती है, तो फटाक से जाके कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो वो यहाँ पे फाइनली डन हो चुका है। डन होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सिंपली डन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डन कर दिया। डन करने के बाद यहाँ पे आपको सीधे बैक चले जाना है। ठीक है, बैक चले जाने के बाद आपको यहाँ पे फटाक से कैपकट ऐप को ओपन करना होगा। मैंने यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन कर दिया। ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वो वीडियो सिलेक्ट करना था जो हमने पहले एडिट किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली पहले लास्ट में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में चले जाओगे और यहाँ जो ये वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसको सिंपली डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो डिलीट हमने यहाँ पे कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा रेशियो का। ठीक है, उस पर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टिकटॉक साइज रख दोगे। टिकटॉक साइज रखने के बाद यहाँ पे इसको उंगली से जूम कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप जूम कर दोगे कुछ इस तरह से। ठीक है, जूम करने के बाद यहाँ पे सेव कर लोगे। आप लोग देख सकते हो हमारा जो साइज़ है वो टिकटॉक साइज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है गाइज, तो उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ऐड ऑडियो पे आपको क्लिक कर देना है और एक्सट्रैक्टेड पे क्लिक करें। एक्सट्रैक्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो है यहाँ पे फाइनली यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारी गैलरी में। तो अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप इस कैपलेट का लिंक कहाँ से लाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दी होगी मटेरियल के नाम से, जाके उधर से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो कैसे लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।